हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 10th क्लास हिंदी मीडियम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले की क्लास में 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे हम। आज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन 1 में क्या पूछा है, रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एन वा पद ए एन है। आपको इसमें ए दे रखा है 7, ए इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 8 और ए एन हमें फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है आपको, ए एन। तो देखिए इस एपी में आपको ए बी एन तीन टर्म्स आपको दे रखे हैं और चौथा टर्म्स ए एन हमें फाइंड आउट करना है। यानी कहने का ये है कि आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स 8 दे रखा है और इसका लास्ट पद या nth टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो लास्ट टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम जानते हैं, हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अब इसमें ए एन और डी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे तो ए एन इज इक्वल टू ए के स्थान पर 7, एन के स्थान पर 8 माइनस 1, बी के स्थान पर 3। इसको सॉल्व करेंगे 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3। अब देखिए इसमें गलती कहाँ होती, बहुत सारे बच्चे 7 में पहले ही 7 ऐड कर देते हैं जबकि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा 7 को 3 से। तो 7 प्लस 21 और ये हो जाएगा 28। तो हमारा जो इसमें लास्ट टर्म ए एन होगा वो कितना होगा, 28। क्लियर है? तो इस टेबल के जितने भी पार्ट हैं इनको आप स्वयं कर सकते हैं। अब आइए इसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसमें आपको फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है, सेकंड टर्म आपसे पूछा है और थर्ड टर्म इसमें 26 है। यानी कि इस एपी का फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म मिसिंग है जो कि आपको फाइंड आउट करना है और थर्ड टर्म इसका 26 है। तो सेकंड टर्म निकालना है आपको, तो यानी कि सेकंड टर्म हमें जो निकालना है वो A2 और A2 की वैल्यू हमें चाहिए क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू आपको गिवन है, ए कितना है 2 और इसका थर्ड टर्म गिवन है हमें A3 इक्वल टू 26। अब देखिए इसमें जो थर्ड टर्म है A3 इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए प्लस 2D इज इक्वल टू 26। कौन से फॉर्मूले से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उस फॉर्मूले से। तो एन के स्थान पर 3 रखेंगे तो ए प्लस 2D इज इक्वल टू 26। ए की वैल्यू आप कितनी पुट कर देंगे, 2, तो ए के स्थान पर आप 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26 और 2 का इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24 और डी इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो 12। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी आ गया 12। अब हमें इसका सेकंड टर्म चाहिए A2। तो देखिए सेकंड टर्म A2 क्या होगा, A प्लस का D, सेकंड टर्म ये हो गया A प्लस D और D के स्थान पर, A के स्थान पर वैल्यू हम जानते हैं D 12 है, A2 है, तो A2 रख देंगे, D आपका 12 होगा तो ये हो जाएगा 14। तो आपका जो सेकंड टर्म होगा ये मिसिंग टर्म आपका कितना आ जाएगा भाई, 14 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। तो अब कोई भी आपको ऐसे टर्म दे रखे हो जिसके अंदर कुछ नंबर मिसिंग हो तो उनको इस तरीके से निकाल सकते हैं।
आ गया ये क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है ये तो इजी है वैसे भी। 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? देखो एक बार फोर्थ भी देख लो आप, क्वेश्चन नंबर फोर एक भी दे रखी है आपको 3, 8, 13, 18 इसका कौन सा पद 18 है? नहीं 78 है, कौन सा पद 78 है? ध्यान से देखिए ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इस तरह से ये जो 78 आएगा ये कहीं ना कहीं नाश्ट में आएगा, तो इसका मतलब ये नाश्ट टर्म ए एन की वैल्यू दे रखी है 78। फर्स्ट टर्म आपको 3 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस A2-A1 हम निकाल सकते हैं। तो देखो A2-A1 करके D आ जाएगा, A आ जाएगा, ये कौन सा पद 78 है? इसका मतलब 78 कहाँ आएगा? ये कि बढ़ते बढ़ते जाएगी तो नाश्ट में आएगा, तो 78 आपको An की वैल्यू हो गई। और कौन सा पद 10वां होगा, वो 20वां होगा या 50वां होगा, इसका मतलब आपको क्या निकालना है? N की वैल्यू, N आपको फाइंड आउट करना है। तो here A=3, D=A2-A1, 8-3=5 और An दे रखा है आपको 78 और N की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे आप An का, क्योंकि An का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो An = A+N-1×D। An की जगह 78, A के स्थान पर 3, N के स्थान पर N हमको फाइंड आउट ही करना है और D की वैल्यू कितनी है 5। तो सॉल्व करेंगे तो 3 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 78-3=5N-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5N-5 और ये बच जाएगा 75=5N-5। अब वेरिएबल वन साइड और कॉन्स्टेंट वन साइड, तो -5 को इधर ले आओ, इधर आके प्लस का हो गया, इधर क्या रह गया 5N। तो देखो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 75+5=5N, ये हो जाएगी 80=5N और N की वैल्यू निकालेंगे तो N के आगे जो संख्या है वो डिवाइड हो जाएगा, तो N=80/5 और ये कैंसिल करेंगे तो 16। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है वो कितने आ जाएंगे 16। तो 16th जो टर्म होगा, 16वां जो टर्म होगा वो कितना होगा 78 होगा। क्लियर है भाई? इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भाई ऐसे ही आपका सेम फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स भी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। उस एपी का 31वां पद, मतलब हमें A31 फाइंड आउट करना है और 11वां पद 38 है, इसका मतलब P11=38 और 15वां पद 73 है, 15वां नहीं है 16वां पद है, A16=73। तो देखिए भाई कैसे करेंगे इसको, जो हमें गिवन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो गिवन क्या क्या था, इसका 11वां टर्म यानी 11वां जो पद है वो 38 है,
और 14वां जो इसका पद है वो कितना है 73। तो देखिए 11वां जो पद है इसका फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले से, तो a प्लस टेन डी। तो a लेवल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a लेवल इज इक्वल टू a प्लस टेन डी, और a लेवल की वैल्यू कितनी दे रखी है 38। इसी प्रकार a 16, तो इसका भी a प्लस 15 डी, फॉर्मूला वही काम आएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n के स्थान पर आप 16 रखेंगे, 1 माइनस करेंगे तो a प्लस 15 डी, और ये कितना दे रखा है 73। तो अब ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38 और a प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, और कौन सा इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे, विलोपन विधि का, कौन सा यूज करेंगे भाई, विलोपन विधि। तो देखो ये इक्वेशन हो गई आपकी a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38 और a प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। अब इन दोनों समीकरणों में हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि से यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसमें ए का विलोप हो जाएगा, फर्स्ट में से किसको माइनस कर दूं, सेकंड को, तो फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर एक में से सेकंड को घटाने पर, तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे हम तो ये कट जाएगा, यानी कि साइन चेंज कर दूंगा, घटाने का मतलब साइन चेंज करना। तो a में से a माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, या मैं ऐसे लिख देता हूं एक बार इसको, घटाने के लिए ये साइन चेंज होगा, और a में से a आपका माइनस हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 10d में से 15d माइनस करेंगे तो माइनस का 5d बचेगा, और 38 में से हम 73 माइनस करेंगे तो देखिए कितना बचेगा भाई, इधर एक गेन देंगे 13 में से 8 गए तो 5 बच गए, यहाँ देखिए 6 में से 3 गए तो 3 बचे, ये किसके बचेंगे, माइनस के, दोनों साइड से माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, और d इज इक्वल टू 35/5 इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई, तो d की वैल्यू आपकी 7 आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, a की, क्योंकि d की वैल्यू 7 आप इक्वेशन में कहीं भी रखते हो आप, तो d की वैल्यू 7 अगर आपने यहाँ पे रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट से हम डी की वैल्यू रखते हैं, मतलब यहाँ पर डी की वैल्यू 7 रख देंगे तो ए आ जाएगा, तो ए प्लस 10 इंटू डी के स्थान पर 7 इज इक्वल टू 38, ए प्लस 70 इज इक्वल टू 38, और 70 का कर देंगे हम ट्रांसपोज, तो ए इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो 70 में से आप 38 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 2, और ये हो गया 32, तो हमारे पास में माइनस का 32 बच गया, कितना बच गया भाई, माइनस का 32। तो ये आ गई किसकी वैल्यू, a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू भी आ गई, d की भी आ गई, तो आप बताइए हम a31 फाइंड आउट कर सकते हैं, और a31 का क्या है फॉर्मूला, नाउ a31 इक्वल टू a31 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 38।
कौन से फॉर्मूले से a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a की वैल्यू आप कितने रखेंगे, माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 32 प्लस का 210, और 210 में से आप 32 माइनस करेंगे तो देखिए कितना बचेगा। इधर 10 में से 2 जाएंगे तो 8, और यहाँ देंगे 20, 20 में से 3 जाएगा तो 70। तो ए 31 है आपका, 178 आ जाएगा। कितने आ गए भाई? तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कीजिए, और कोई भी समस्या या कोई डाउट हो तो आप उनको क्लियर करें। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।